कोशिश की थी कि कहीं ना कहीं मैं अपना एक ऐसा शो लाऊं जो अलग हो और उसको मैं कैसे प्रेजेंट करूं। तो ये आइडिया, बिकॉज अपहरण नाम है शो का, तो हमने ये सोचा कि सारे अपने एक्टर्स को कहते हैं कि एक ब्लैंक स्क्रीन डाल दो और नेक्स्ट डे वी शॉट वन वीडियो। मैंने एक दिन पहले ही शूट करके उनको भेज दिया था कि ऐसे बनाना, सो एंड रियल मत रखना, बिकॉज कहीं ना कहीं वी डोंट वांट टू एवर शॉक और स्केयर एनीवन। तो इट वाज ऑल कि मुझे पराठे खाने हैं, मुझे पराठे नहीं दे रहे हैं, ओ गॉड जोमैटो पे ऑर्डर किया कुछ मिला नहीं, या अरे यार प्रेरणा कहाँ है। इट वाज ऑल फन, सो दैट वी नेवर मेड इट सीरियस और शॉकिंग, बट वी वॉन्टेड द अपहरण इंस्टा टू पिक अप एंड देन इंट्रोड्यूस द प्रोमो। हाँ, ये एक जॉनर ब्रेकर है। जॉनर ब्रेकर्स होते हैं, जैसे स्त्री है या आपने अंधाधुन देखी, वो एक जॉनर को स्टिक नहीं करते, कॉमेडी और हॉरर हो या कॉमेडी और थ्रिलर हो। और ये एक सस्पेंस थ्रिलर है, लाइक अ जेम्स हार्डली चेस और लाइक अ फागो, जिसमें कॉमेडी भी है और थ्रिलर भी है। तो अगर मुझे किसी एक्टर का अपहरण करना होगा तो मैं किसी एक्टर का क्यों करूँगा, मैं डायरेक्टर का करूँगी ना, राजकुमार हिरानी का करूँगी। हमें दुनिया में मेरे अगर कोई किसी को एडमायर करती है तो वो डायरेक्टर्स हैं, एक्टर्स में सिर्फ एक मिस्टर बच्चन। देखिए सोचिए, बहुत सिंपल ख्याल है, अगर मुझे एक मास प्रोडक्ट ना बाहर निकालना है तो एक मास चैनल या एक मास शो पे ही आना पड़ेगा। और इंडिया का आई मीन आई एम ऑनर्ड टू बी अ पार्ट ऑफ अ शो दैट इंडिया का नंबर वन शो है, और मुझे ये मौका मिला और चैनल ने एक सेकेंड के लिए ना नहीं बोला, तो आई एम सो हैप्पी कि मेरा शो आ रहा है। द लास्ट मूवी वॉज 3। बहुत रेयरली हम नागिन पे प्रमोट करते हैं, उसके पहले भी प्रमोटेड वीरे दी वेडिंग और अब है अपहरण। मैंने बिग बॉस का आधा सेकंड भी नहीं देखा है, बट आई होप ही विंस।